ये मैं खड़ा हूँ 40 फीट वाला जो एंट्रेंस रोड है वहाँ पर। ये सामने जो रोड आप देख रहे हैं ये एंट्रेंस वाला रोड है, दोनों तरफ नाली बन गई है। दाहिनी तरफ ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं ये 3050 स्क्वायर फीट वाला है, 3500 वाला, और उसके बाद में 1800 वाला है। और ये बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं ये 2100 स्क्वायर फीट वाले ब्लॉक हैं, इसके बाद में 1800 है, और उसके बाद में 1250, फिर 1000। ये यहाँ से अपनी रेजिडेंशियल शुरू होती है, ये पूरा रेजिडेंशियल साइट है। देखिए काम हो रहा है वहाँ पर, टीम काम कर रही है। और ये मैं एंट्रेंस वाले चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ, ये चौराहा है। और मेरी दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये दूसरी तरफ का एरिया है, मैं बीच में खड़ा हूँ। इधर टोटल कमर्शियल है अपना। ये पेड़ जो आप देख रहे हैं, पेड़ के पास से ग्रीन कॉरिडोर गुजर रहा है और ऐसे जाकर के सीधे किसान पथ में मिल जाएगा। ये जो पेड़ लगे हुए हैं ये किसान पथ पे लगे हुए हैं। यहाँ से आप बाई तरफ जाएंगे, क्रिकेट स्टेडियम पर इस तरफ पहुँच जाएंगे, और ये इधर किसान पथ है मैंने आपको जैसे बताया। और यहीं सामने से रोड आएगा जो जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस चौराहे को क्रॉस करते हुए पहुंच जाएगा अपने साइड के अंदर। इधर पूरा हमारा कमर्शियल है और दूसरी तरफ रेजिडेंशियल है। ये रेजिडेंशियल का एरिया है, ये एंट्री वाला रोड है, सीधे एंट्री है। आगे पेड़ के पास जो आप बड़ा वाला पेड़ देख रहे हैं वहीं पर मैं बैठा रहता हूं, वहीं से मैं दिखाता हूं आपको। अभी टीम काम कर रही है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या काम हो रहा है और क्या अभी आज कहाँ पर शुरू करवाना है। अभी ये 40 फीट रोड वाला जो रोड है इसी को आगे बढ़ाना है, इसको कंप्लीट करवाते हैं। ये एग्ज़िट वाला रोड है, एग्ज़िट वाले रोड से मैं उतर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये इधर सारा 1500 वाला ब्लॉक है, यहाँ सब जो प्लॉट हैं इस तरफ ये 1500 वाले हैं, और इधर 3500 वाला है बगल में मेरे। ये सामने 3500 वाला ब्लॉक है। दूसरी तरफ 1250 है, उस तरफ सामने जहाँ लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर काम हो रहा है। अब ये इधर लगभग ख़त्म हो गया है, दूसरी तरफ इस तरफ बढ़ाएंगे इसको। काम हो रहा है इधर, देखिए टीम काम कर रही है। चूना मैं लेकर आया हूँ, चूना यहाँ मार्किंग के लिए चाहिए, तो गोपाल जी आ रहे हैं, इसको भी गाड़ी से निकालेंगे। ये पूरी साइड है अपनी। देखिए सौरभ भाई आ गए हैं गाड़ी से, इनको विजिट कराना है, और ये यहाँ पर भी देखेंगे, और इनको जाना है अभी जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है कौस्तुभ इंक्लेव, वहाँ पर भी जाना है। सौरभ भाई आ रहे हैं, साथ में उनके जीजा जी हैं, दोनों लोग आ गए हैं, अब मैं इनसे मिलता हूँ। ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कौस्तुभ इंक्लेव। ये चिन्हट में है, देवा रोड पर, और मेन देवा रोड से ये 200 मीटर पर है। अगर आप फैजाबाद रोड से इसकी दूरी की बात करें तो ये मात्र 1200 मीटर पर प्रोजेक्ट है। ये सामने इधर एंट्री है, ये गेट दूसरा बनेगा, और यहाँ पर आपको मकान मिलेंगे, डुप्लेक्स दो फ्लोर के बने हुए मकान मिलेंगे। ये सामने जो मकान बना हुआ है ये तो सेल हो चुका है, जो ये छत पड़ रही है आप देख रहे हैं, दो फ्लोर के मकान हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। अविनाश भाई आ रहे हैं कानपुर से, देखिए गाड़ी उनकी आ रही है। ये काफ़ी दिन बाद आ रहे हैं, प्लॉट इनके बुक हैं, लगभग 7 प्लॉट बुक हैं। लेकिन आइए भैया, ये तो धन्यवाद आपका जाएगा ही नहीं। धन्यवाद भैया।
चलिए ठीक है, अब इनसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। मैंने जो अलग से माइक लगाया हुआ था वो गड़बड़ कर रहा था कुछ। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जब मैंने इसकी वॉइस सुनी तो वो गड़बड़ थी, तो मुझे बीच बीच में कट करना पड़ रहा है। यहाँ पर भी कट किया हुआ है, आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ। पतौरा लगा है, ये सब भी कटवाना है। कल्लू जी और गोपाल जी हमारे चूना डाल रहे हैं, ये देखिए यही लगा है ना निशान। ये 40 फीट रोड का ये निशान लगा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ से लेकर के ये बीच में 27 फीट रोड है उस नाली तक, उसके बाद में जो है वो 40 फीट वाला रोड है। हिलना नहीं अब, बस ऐसे पकड़ के खड़े रहो। ये घास कटवाइए, नहीं मशीन से नहीं, अब तुमको हाथ से खोदना है, मशीन नहीं करवाएंगे। ये देखिए ये चूना पड़ गया, अब इस चूने के इस तरफ राइट साइड में जहाँ ये बोरी पड़ी है इधर रोड है, और इस तरफ नहीं सॉरी इधर प्लाट है, और ये जो इधर चूना पड़ा हुआ है ये बीच में रोड है। ये देखिए ये इधर अभी डाले हैं, ये है, ये इसके इस तरफ प्लॉट है और इस तरफ रोड है, वो चूना जो पड़ा है उसके और इसके बीच में रोड है। ये सफाई कल हो जाएगी और सफाई होकर के यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ये एक पैच बचा है, इसको आगे बढ़ा लेना है। अभी शाम का बज गया है, 6:15 हो रहा है। अब समय है आपको आज का अपडेट देने का। देखिए ये नाली बनी है, इसमें थोड़ा सा कल बना था, थोड़ा सा आज बना है, बाकी ये इधर तो पहले कंप्लीट हो चुका था। उधर का एक ब्लॉक बचा हुआ है, वो कल सोच रहे हैं उसको कंप्लीट करा दें, तो ये पूरा जो 40 फीट रूट के बगल में 1250 वाला है ये पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आगे की तरफ काम करेंगे। तो ये इस तरफ जो है पूरा हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ चल के। ये सामने से सूरज देवता जो है सामने से पड़ते हैं तो लाइट बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, देखिए फिर गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, दिन में आज काफ़ी भागा दौड़ी रही, मुझे दूसरी वाली साइड पर भी जाना पड़ा, वहाँ भी मैं गया था, वहाँ का वीडियो मैंने डाला है साथ में, दूसरी वाली साइड का मेरे अपडेट है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पर मकान है और अभी उसको थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, उसमें प्लॉट भी मिलेंगे। गेटेड कॉलोनी है, सीवर वगैरह सब कुछ पड़ा है, बिजली और सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर है कौस्तुभ इंक्लेव में। वो वीडियो भी आप लोग देख करके बताइएगा कैसा लगा, और डिटेल से उसके बारे में जानना चाहेंगे तो और एक वीडियो में बना दूंगा। ये देखिए ये काम आज हुआ है, ये यहाँ पर होने के बाद में इधर काम अभी फाइनल हो जाएगा, थोड़ा सा बचेगा जुग्गी के पास में तो वो काम बाद में कराएंगे, क्योंकि यहाँ अभी ये लोग रह रहे हैं। काम अभी हो ही रहा है, दीपचंद जुड़ाई कर रहे हैं, और सुबह जैसी भी मशीन आएगी उस तरफ खुदाई करेगी, खुदाई करवा करके कंप्लीट करना है उधर। तो ये था आज का अपडेट, आज क्या क्या काम हुआ है ये मैंने बताया है। टीम में भी 5 लोग आज बढ़े हैं, आए हैं, और अब मिलते हैं आपसे कल नए वीडियो के साथ में और नए अपडेट के साथ में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।